लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विविधवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। कहते, मेरे बात तो मेरी जायदाद इस परिवार को सभ्यता मिल ही जाएगी, मतलब अपने आप मिल ही जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते पर भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह, रमेश्वर मतलब एक नाम है उसकी, विधवा मतलब उसका पति मर गया था तो उसकी विधवा का क्या हाल हुआ था, की तरह शेष ज़िंदगी वे घुट घुट कर मरें यह ठीक नहीं होगा। रमेश्वर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की ज़मीन रमेश्वर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर सम्मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई, इतनी बुरी दशा हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते, डर जाते। हरिहर काका को लगता कि अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए, गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी धूर ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुर बारी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं, देखते हैं कैसे लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रोकर। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे, मतलब हमला भी करने लगे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को याद आया कि मुंह तो पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, दूसरों को क्या क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया, घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया जिस हालत में ठाकुर बारी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब पीटा है, कि उनकी कोई दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान
उभर आए थे। मैं बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे, मतलब भाग गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के दो व्यक्ति आए, रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों तथा महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे। तब ठाकुर बारी के महंत अपने लोगों के साथ आकर उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुण्य उन्हें घर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपते में आकर ही उनके भाइयों तथा महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरियल काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बारी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। ठाकुरबारी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना करने पाए। साथ ही वह अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीनों मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है, उनका ध्यान हरिहर की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब तक कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। एक इन दिनों गांव के चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा हो रही है। उनकी